खबर रीवा से है, जहां वैश्व महासम्मेलन जिला इकाई रीवा द्वारा नगरीय निकाय एवं निस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में रीवा जिले से निर्वाचित वैश्व समाज के जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह दिनांक 10 सितंबर 2022 को दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर वैश्व महासम्मेलन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमा शंकर गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। द्वितीय अतिथि के रूप में मोतीलाल गोयल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष एवं मनीष गुप्ता तथा हरिओम गुप्ता, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री नीरज चौरसिया, संभागीय अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता, महिला इकाई संभागीय अध्यक्ष कल्पना गुप्ता, युवा इकाई संभागीय अध्यक्ष सुमिता गुप्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता, जिला अध्यक्ष के गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्व जन प्रतिनिधियों का सम्मान कर मनोबल बढ़ाना है, ताकि समाज के ऐसे व्यक्ति जो अपना व्यवसाय छोड़कर आम जनता के सेवा के उद्देश्य से राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, उन्हें मनोबल मिल सके एवं समाज को उनके अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर महिला इकाई की सम्माननीय अध्यक्ष कल्पना गुप्ता, जिला अध्यक्ष प्रतीक्षा तम्रकार, जिला अध्यक्ष के गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, युवा इकाई के जिला अध्यक्ष वंशी साहू, सुमिता गुप्ता, अनिल केजरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्ड बनवा सकते हैं, हम उनकी 5 लाख तक की दवा जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, उनका 5 लाख तक की दवा मुफ्त कराने का कार्ड बनवा, आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इन सारी योजनाओं को बनवाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि हमको मालूम है कि हम जहां से चुनकर आए हैं वहां बहुत सारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को अपमान झेलना पड़ता है, और उस अपमान के का घूट पीकर उन्होंने आपको अपना मत देकर आपको जिताया है। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है कि इस वैश्य समाज को हम भी गौरवान्वित करने के लिए कार्य करें।